Welcome to Saffron English Medium School. Now I am taking your EVS Standard 4. तो आज हम चैप्टर नंबर 2 ईयर टू ईयर स्टार्ट करते हैं. तो हमें उसमें एक एक्सरसाइज दी गई है, एक्सरसाइज नंबर 1. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन एंड राइट इट्स इंडेक्स लेटर यानी कि अल्फ़ाबेट इन द बॉक्स प्रोवाइड अगेन ईच क्वेश्चन. यानी कि हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हैं उसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हैं. तो उस ऑप्शन में से सही आंसर हमें ढूंढ के उसके अल्फ़ाबेट हमें पास वाले बॉक्स में पुट करने हैं. तो फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ वेरी लार्ज ईयर. यानी कि यहाँ पे जो हमें ऑप्शन दिए हैं एनिमल्स के, उसमें से कौन से एनिमल के ईयर सबसे बड़े होते हैं. तो फर्स्ट है ए डियर, बी एलिफेंट, सी रैबिट और डी बफेलो. तो राइट आंसर क्या आएगा, बी एलिफेंट. तो हम बॉक्स में क्या अल्फ़ाबेट लिखेंगे, बी. सेकंड है द ईयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर नॉट सी. यानी कि कौन से एनिमल के ईयर हमें दिखाई नहीं देते. तो फर्स्ट है ए काउ, बी गॉड, सी क्राउ या डी शिप. तो आंसर क्या आएगा, सी क्राउ. तो हम बॉक्स में क्या अल्फाबेट लिखेंगे, सी. फिर लिखा है द ईयर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ऑन इट्स हेड. यानी कि कौन से एनिमल के ईयर हेड पे होते हैं. तो उसके ऑप्शन है ए काउ, बी गॉड, सी एलिफेंट, डी डियर. डियर यानी कि हिरन. तो आंसर क्या आएगा, डी डियर. तो हम बॉक्स में क्या अल्फाबेट लिखेंगे, डी. फिर लिखा है विच एनिमल गिव्स बर्थ टू बेबीज. यानी कि कौन से एनिमल बेबीज को जन्म देते हैं. तो फर्स्ट है ए पिकॉक, बी रैबिट, सी पैथन, डी क्रोकोडाइल. तो आंसर क्या आएगा, बी रैबिट. तो हम बॉक्स में क्या अल्फाबेट लिखेंगे, बी. फिर लिखा है विच एनिमल्स लेज एग्स. यानी कि कौन से एनिमल अंडे देते हैं. तो फर्स्ट है ए स्पैरो, बी डॉग, सी माउस या डी स्पिरल. तो आंसर क्या आएगा, ए स्पैरो. तो हम बॉक्स में क्या अल्फ़ाबेट लिखेंगे, ए. फिर लिखा है विच इज़ अवर नेशनल एनिमल. यानी कि हमारा नेशनल एनिमल क्या है. तो उसके ऑप्शन दिए हैं ए लायन, बी लेपर्ड, सी टाइगर और डी एलिफेंट. तो हमारा नेशनल एनिमल क्या है, सी टाइगर. तो हम आंसर में क्या अल्फ़ाबेट लिखेंगे, सी. फिर लिखा है विच एनिमल हैज़ हेयर ऑन इट्स बॉडी. यानी कि कौन से एनिमल के बॉडी पर हेयर होते हैं. तो उसके ऑप्शन है ए पीकॉक, बी स्वान, सी डक और डी माउस. तो आंसर क्या आएगा, डी माउस. तो हम बॉक्स में क्या अल्फ़ाबेट लिखेंगे, डी. फिर लिखा है विच एनिमल हैज़ फीदर्स ऑन इट्स बॉडी. यानी कि कौन से एनिमल के बॉडीज पे पीछे होते हैं. तो उसके ऑप्शन है ए पिगियन, बी रैबिट, सी स्पेरल या डी स्नेक. तो आंसर क्या आएगा, ए पिगियन. तो हम बॉक्स में क्या अल्फ़ाबेट लिखेंगे, ए. फिर लिखा है एक्सरसाइज नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड. यानी कि यहाँ पे जो हमें सेंटेंस दिए गए हैं उसके हमें उचित आंसर लिखने हैं. यानी कि उसके सूटेबल आंसर वर्ड लिखने हैं. तो फर्स्ट है एनिमल हुज ईयर कैन बी सी गिव बर्थ टू ब्लैंक्स. यानी कि कौन से एनिमल के ईयर हम देख सकते हैं और जो बर्थ देते हैं. यानी कि वो किसके बर्थ देते हैं, बेबीज. यानी कि वो बच्चे को जन्म देते हैं. यानी कि जो बच्चे यानी कि जो एनिमल के हम ईयर देख सकते हैं वो बेबीज को जन्म देते हैं.
तो आंसर क्या आएगा? बेबीज. फिर लिखा है एनिमल्स वूज ईयर कैन बी सी लेस ब्लैंक, यानी कि जो एनिमल होते हैं जिनके हम ईयर्स नहीं देख सकते वो क्या करते हैं? तो वो अंडे देते हैं. तो आंसर क्या आएगा? एग्स. फिर लिखा है द एनिमल दैट हैज लिप शेप ईयर इज दैट ब्लैंक, यानी कि कौन से एनिमल के ईयर्स हमें लिप शेप यानी कि पत्ते जैसे आकार के दिखाई देते हैं? तो आंसर क्या आएगा? रैबिट. तो रैबिट है एनिमल, उसके ईयर हमें लीफ जैसे दिखते हैं. फिर है ब्लैंक इज अवर नेशनल बर्ड, यानी कि हमारा नेशनल बर्ड क्या है? तो आंसर आएगा पीकॉक. तो जो पीकॉक है वो हमारा नेशनल बर्ड है. फिर लिखा है वी कैन हियर विद अवर ब्लैंक, तो यानी कि हम किससे सुन सकते हैं? तो आंसर आएगा ईयर. वी कैन हियर विथ अवर ईयर, यानी कि हम अपने कान से सुन सकते हैं. फिर लिखा है एनिमल्स हुज ईयर कैन बी सीन हैव ब्लैंक ऑन द बॉडीज, यानी कि जो एनिमल ईयर्स दिखाई देते हैं उनके बॉडी पे क्या होता है? हेयर. तो आंसर क्या आएगा? हेयर. तो फिर से मैं रिपीट करती हूँ, एनिमल्स हुज ईयर कैन बी सीन हैव हेयर ऑन बॉडीज, यानी कि जो एनिमल के ईयर हम देख सकते हैं उनके बॉडीज पे हेयर होते हैं. फिर लिखा है ऑन ऑफ द देयर जिराफ डियर एंड गोट द ईयर्स ऑफ ब्लैंक आर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स हेड, यानी कि इनमें से कौन से एनिमल के हेड पे दोनों साइड ईयर होते हैं? तो आंसर क्या आएगा? गोट. तो हम क्या लिखेंगे आंसर में? जी ओ ए टी, यानी कि गोट. फिर हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 3. पुट अ राइट मार्क इन फ्रंट ऑफ द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू एंड अ रॉन्ग इन फ्रंट ऑफ दोज दैट फॉल्स, यानी कि यहाँ पे जो हमें स्टेटमेंट दिए हैं उसमें से जो सही स्टेटमेंट है उसके सामने हमें राइट क्लिक करना है और जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसके सामने हमें फॉल्स का मार्क लिखना है. तो फर्स्ट लिखा है अ स्नेक गिव बर्थ टू बेबीज, यानी कि जो स्नेक है वो बेबीज को जन्म देते हैं. तो दैट इज अ रॉन्ग आंसर. तो हम रॉन्ग का मार्क लगाएंगे. तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी कि मैंने बॉक्स में रॉन्ग का मार्क लिखा है. फिर लिखा है हेयर इज नॉट सीन ऑन द बेबीज ऑफ एनिमल्स दैट ले एग्स, यानी कि हम जिस एनिमल्स के ईयर्स नहीं देख सकते वो अंडे देते हैं. तो दैट इज अ राइट स्टेटमेंट. तो हम राइट का मार्क पुट करेंगे. फिर लिखा है द लायन इज अवर नेशनल एनिमल. तो मैंने आपको भी बताया कि हमारा नेशनल एनिमल क्या है? पीकॉक. तो यहाँ पे लिखा है द लायन इज अवर नेशनल एनिमल, तो दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. तो देखिए मैंने यहाँ पे फॉल्स का मार्क लिखा है. फिर लिखा है अ काउज ईयर आर ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड, यानी कि जो काउ है उसके हेड पे दोनों के साइड ईयर्स होते हैं. तो दैट इज अ राइट स्टेटमेंट. फिर लिखा है बर्ड्स हैव होल इन प्लेस ऑफ ईयर्स, यानी कि जो बर्ड्स है उनके ईयर्स की जगह हमें होल शेप होते हैं. तो दैट इज अ राइट स्टेटमेंट, यानी कि जो बर्ड्स होते हैं उनके ईयर्स नहीं होते पर जो ईयर्स की जगह पे होल होता है. फिर लिखा है अ क्रोकोडाइल लेज एग्स, यानी कि जो क्रोकोडाइल है वो अंडे देते हैं. तो दैट इज अ राइट स्टेटमेंट. फिर एक्सरसाइज नंबर 4. मैच द कॉलम अप्रोप्रिएटली राइट द करेक्ट इंडेक्स लेटर अल्फाबेट फ्रॉम कॉलम बी इन द आंसर कॉलम, यानी कि यहाँ पे जो कॉलम ए है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉलम बी दिया है. तो हमें कॉलम ए में से कॉलम ए के सही आंसर कॉलम बी में से ढूंढ के उसके अल्फ़ाबेट हमें आंसर पे पुट करने हैं.
तो फर्स्ट लिखा है लीफ शेप ईयर्स, यानी कि कौन से एनिमल के ईयर्स लीफ शेप होते हैं, तो उसका आंसर आएगा सी, रैबिट। तो हम आंसर में क्या अल्फ़ाबेट लिखेंगे, सी। फिर लिखा है फन लाइक ईयर्स, यानी कि कौन से एनिमल के ईयर्स फन लाइक होते हैं, तो आंसर क्या आएगा, ए, एलिफेंट। तो हम आंसर पे क्या अल्फ़ाबेट लिखेंगे, ए। फिर लिखा है मूव्स ऑन इट्स स्टमच, यानी कि कौन से एनिमल है जो अपने पेट से चलते हैं, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, ई, स्नेक। तो हम आंसर पे क्या अल्फ़ाबेट लिखेंगे, ई। फिर लिखा है अ बर्ड, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बर्ड है, तो आंसर क्या आएगा, बी, स्पैरो। तो हम आंसर में क्या अल्फ़ाबेट लिखेंगे, बी। फिर लिखा है एक्सरसाइज नंबर 5, आर दिस एनिमल लुकिंग फनी, यानी कि यहाँ पे जो पिक्चर में एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं वो हमें फनी दिख रहे हैं। द आर्टिस्ट हैज़ रॉन्ग ईयर्स ऑन द हेड ऑफ द एनिमल्स, यानी कि यहाँ पे आर्टिस्ट ने जो एनिमल दिखाई दे रहा है उसके ईयर रॉन्ग ड्रॉ किए हैं। डिस्क्राइब वेयर द एनिमल्स करेक्ट ईयर आर लोकेटेड इन द स्पेस गिवन बिलो, यानी कि हमें यहाँ पे एनिमल्स के जो पिक्चर दिखाई दे रहे हैं उनके ईयर्स किस एनिमल्स के हैं वो हमें आंसर लिखना है, यानी कि यहाँ पे जो ब्लैंक दी गई है उसमें आंसर लिखना है, एनिमल तो ईयर। तो फिर यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है एलिफेंट, तो यहाँ पे देखिए हमें एलिफेंट के ईयर किस एनिमल के जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो जिराफ, तो ये हमें एग्जांपल दिया है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट नंबर पे है रैबिट, तो आप पिक्चर्स में देख सकते हो कि रैबिट के ईयर्स किस एनिमल के जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा, डॉग। फिर लिखा है माउस, तो आप पिक्चर में देखिए जो माउस है वो वो इसके ईयर्स हमें किस एनिमल्स जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा, एलिफेंट। फिर तीसरे नंबर पे है जिराफ, तो हमें पिक्चर में जिराफ दिखाई दे रहा है तो उसके ईयर है वो किस एनिमल्स के जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो रैबिट, आंसर क्या आएगा, रैबिट। फिर लिखा है डॉग, तो आप पिक्चर्स में देखिए जो डॉग है उसके ईयर्स हमें किस एनिमल के दिखाई दे रहे हैं, माउस, तो आंसर क्या आएगा, माउस। फिर लिखा है बफेलो, तो आप पिक्चर में देखिए जो बफेलो है उसके ईयर हमें किसके जैसे दिखाई दे रहे हैं, डियर, तो आंसर क्या आएगा, डियर, यानी कि हिरन। फिर लिखा है डियर, तो हमें जो पिक्चर में डियर दिखाई दे रहा है उसके ईयर्स किसके जैसे दिखाई दे रहे हैं, बफेलो, तो आंसर क्या आएगा, बफेलो। तो आपको भी एनिमल्स के जो पिक्चर दिखाई दे रहे हैं उसके ईयर कैसे दिखाई दे रहे हैं, किस एनिमल्स के हैं, वो आपको आंसर पे लिखना है।